हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो एग्रो। सो फ्रेंड्स, टुडेस लेक्चर इज ऑन एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन। ये फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, ये इकोनॉमिक्स का सेकंड सब्जेक्ट है। सो ये लेक्चर एग्रीकल्चरल फाइनेंस का फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद मैं फोर्थ सेमेस्टर के ही सब्जेक्ट लेने वाली हूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कौन सा लेक्चर पहले चाहिए, और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। सो इस लेक्चर का टॉपिक है एग्रीकल्चरल फाइनेंस। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल फाइनेंस की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड नीड ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। सो ये सभी टॉपिक हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ, गो एग्रो ऐप लॉन्च हो चुका है। गो एग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आपको वहाँ पर अवेलेबल है। सो डाउनलोड दिस ऐप। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, गो एग्रो टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर ऐप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का टॉपिक है एग्रीकल्चरल फाइनेंस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें फाइनेंस वर्ड का मीनिंग समझना होगा। फाइनेंस एक वाइड टर्म है। फिनेंस एंड इकोनॉमी वर्ड कोरिलेटेड हैं। फिनेंस का सिंपल मीन होता है मैनेजमेंट ऑफ मनी और फंड्स। किसी भी बिजनेस, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मनी चाहिए होता है। वैसे ही एग्रीकल्चर करने के लिए भी मनी की ज़रूरत होती है। हम एग्रीकल्चर फील्ड में मनी को कैसे यूज़ करते हैं, मनी का मैनेजमेंट कैसे होता है, ये हम इस लेक्चर में समझेंगे और इसे एग्रीकल्चरल फाइनेंस बोलते हैं। अब हम एग्रीकल्चरल फाइनेंस को समझते हैं। एग्रीकल्चरल फाइनेंस में हम किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं, उसे एग्जामिन करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। एग्रीकल्चरल फाइनेंस की यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी है जिन्हें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग दी है। जैसे कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट की डेफिनेशन है, टैंडन एंड डोंडियाल, इन्होंने 1962 में एग्रीकल्चरल फाइनेंस की डेफिनेशन दी थी। इन साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दी थी कि एग्रीकल्चरल फाइनेंस एज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी डील्स विद द प्रोविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ बैंक सर्विसेज एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज रिलेटेड टू इंडिविजुअल फार्म यूनिट्स। इन्होंने बताया था कि एग्रीकल्चरल फाइनेंस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की एक ब्रांच है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर फार्मर को उनकी फील्ड से रिलेटेड उनकी बैंक सर्विसेज एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेजमेंट कैसे करना है इसकी स्टडी करते हैं। जैसे कि इन फ्यूचर अगर हम एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट या फिर MBA जैसे कोर्स करना चाहते हैं या हम किसी बैंकिंग सर्विस में जॉब करते हैं तब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पर इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है क्योंकि एग्रीकल्चरल फाइनेंस हमें बताता है कि हमें बैंक सर्विसेज और फिनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना चाहिए, हमें मनी कैसे, कहाँ और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद एग्रीकल्चरल फाइनेंस के यहाँ पे टाइप्स दिए हैं। एग्रीकल्चरल फाइनेंस टू टाइप्स के होते हैं, मैक्रो फाइनेंस एंड माइक्रो फाइनेंस। अब हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है मैक्रो फाइनेंस। जैसा कि इसके नेम से शो हो रहा है, मैक्रो मीन्स बड़ा, जैसे कि पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम। यहाँ पर हम होल एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशन को मॉनिटर करते हैं और उसे कंट्रोल कैसे करना है इसकी स्टडी करते हैं। मैक्रो फाइनेंस का मतलब है यहाँ पर हम पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर की क्रेडिट सिस्टम की प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशन की स्टडी करते हैं।
मैक्रोफिनेंस एक वाइड टर्म है, ये एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन के एग्रीगेटेड लेवल पर स्टडी करता है। मैक्रोफिनेंस में हम पूरे एग्रीकल्चरल सिस्टम के टोटल क्रेडिट की स्टडी करते हैं, कैसे हम लोन ले सकते हैं या इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है और लोन प्रोवाइड करने की क्या मेथड्स होते हैं, ये सभी यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सो जैसा कि हम जानते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है कि इनके पास इतना फंड नहीं होता है रन करने के लिए, इसीलिए उन्हें बैंक से लोन लेना होता है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड टाइप दिया है माइक्रो फिनेंस। माइक्रो फिनेंस में हम किसी पर्टिकुलर फार्म बिजनेस की क्रेडिट एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं। सो जैसा कि माइक्रो वर्ड, माइक्रो मतलब छोटा, तो यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल फार्म यूनिट की बात कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल फार्म यूनिट के लिए कितना फंड चाहिए होता है, उसे कितना लोन लेना है, वो उस लोन को कैसे मैनेज करे, ये हम उसके टर्म्स रेगुलेशंस क्या होती है, ये हम माइक्रो फिनेंस में पढ़ते हैं। जैसे कि कोई फार्मर है तो उसे भी अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वो भी लोन ले सकता है, तो इसे हम माइक्रो फिनेंस बोलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चरल फिनेंस। यहाँ पर एग्रीकल्चरल फिनेंस के कुछ सिग्निफिकेंस दिए हैं। फर्स्ट है, एग्रीकल्चरल फिनेंस एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, क्योंकि जब कोई फार्मर अपने फील्ड के लिए लोन लेता है तो उससे उनको फिनेंशियल सपोर्ट मिलता है, यील्ड प्रोडक्शन बेटर हो जाता है और फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो जाती है, जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एग्रो फिनेंस और एग्रीकल्चरल फिनेंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, मींस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता है और उन्हें फिनेंशियली सपोर्ट देता है। इसके बाद सेकंड सिग्निफिकेंस है, जैसे कि एक कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, वैसे ही एग्रीकल्चरल फिनेंस फार्म बिजनेस और बिजनेस की रेट को इंक्रीज करता है, उसे स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि ये फार्म बिजनेस को फिनेंशियली सपोर्ट करता है और उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। सो एग्रीकल्चरल फिनेंस फार्मर्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उन्हें सपोर्ट देते हैं। थर्ड सिग्निफिकेंस है, जैसा कि हम जानते हैं, फार्मिंग करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ की भी ज़रूरत होती है, हमें कुछ इनपुट्स चाहिए होते हैं, लेकिन क्योंकि इतनी हाई प्राइस होती है इसीलिए फार्मर्स उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहीं अगर हम इसके लिए बैंक से लोन लेंगे तो बैंक हमें कम इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कर सकती है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो सकती है और लोन पे करना ज़्यादा हैवी भी नहीं होता है। सो फार्मर को एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ और इनपुट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि उन्हें ट्रैक्टर की भी ज़रूरत होती है और पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं, तो ये सभी की कॉस्ट हाई होती है, जिन्हें फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन वहीं अगर वो बैंक से इसका सपोर्ट लेंगे और बैंक से अगर इन चीज़ के लिए लोन लेंगे तो बैंक उन्हें कम इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कर सकती है और इससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है और इसके बाद उन्हें पे करना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। नाउ फोर्थ सिग्निफिकेंस है, एग्रीकल्चरल फिनेंस हम लार्ज स्केल पर लोन प्रोवाइड कर सकता है, जिससे हम अपने फार्म एसेट्स को बढ़ा सकते हैं और फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद सकते हैं, जैसे स्प्रे के लिए हम ड्रोन्स खरीद सकते हैं और प्लोइंग करने के लिए ट्रैक्टर या एमबी प्लाउ जैसे इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, जिससे इनकम का लेवल बढ़ सकता है और इनकम बढ़ेगी तो हमारा स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा।
अगर फार्मर एग्रीकल्चर करने के लिए इन हैवी इक्विपमेंट्स को यूज़ करेगा तो उससे वो अपनी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इनक्रीज़ कर सकता है, इससे उनकी इनकम भी इंक्रीज हो सकती है। नाउ फिफ्थ पॉइंट है फार्म फिनेंस और एग्रीकल्चरल फिनेंस रीजनल इकोनॉमिक इम्बैलेंस को कम करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अभी हम जानते हैं कि हर जगह पर बैंक बने हुए हैं, विलेजेस में हर जगह पर बैंक बने हुए हैं, तो बैंक फार्मर्स को अवेयर करते हैं लोन के बारे में और उन्हें इसका प्रोसीजर समझाते हैं, उन्हें बताते हैं कि वो कम इंटरेस्ट पर यहाँ पर लोन ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी फार्मर को जब भी लॉस होता है तो उसकी वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ता है, तो इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं। अगर किसी फार्मर का लॉस हो चुका है तो उस समय हम उनको फिनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड नहीं करना पड़े और लोन लेकर वो उनकी फिनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और वो अपने असेट्स भी बढ़ा सकते हैं, वो प्रोडक्टिविटी को भी इनक्रीज कर सकते हैं। जैसे किसी फार्मर को एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड कम है तो वो क्या करेगा, बैंक से लोन लेकर और लैंड खरीद सकता है, और जब उसके पास ज़्यादा लैंड आ जाएगा तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकता है। जब उसके पास ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाएगी तब लोन को पे करना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, इससे उनके एसेट्स भी बढ़ जाएंगे और उनका डेवलपमेंट भी हो जाएगा। नाउ सिक्स पॉइंट है, जैसा कि हम जानते हैं इंडियन एग्रीकल्चर अभी भी पुराने ट्रेडिशनल टेक्निक्स को ही यूज़ करता हुआ आ रहा है, जिससे प्रोडक्टिविटी भी लिमिटेड होती है और फार्मर्स की इकोनॉमी में भी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करें और उन्हें न्यू टेक्निक्स के बारे में बताएं, वो अपने फार्म में और अपने फील्ड में अगर न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे तो उससे उनका प्रोडक्शन रेट काफ़ी इंक्रीज़ हो सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यूज़ कर सकते हैं वो। नाउ सेवेंथ पॉइंट है, एग्रीकल्चर करने के लिए हमें कई जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे कि माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। हमें इरिगेशन करने के लिए मोटर्स चाहिए होती है तो वहाँ भी हमें पैसा लगाना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करने के लिए, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड प्लांट्स लगाने के लिए, इन सभी के लिए हमें हैवी इंस्टॉलमेंट की और हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इन सभी के लिए हमें बैंक लोन प्रोवाइड्स करती है, जिससे एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव हो जाता है और फार्मर्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। सो ये थे एग्रीकल्चरल फिनेंस के सिग्निफिकेंस। इसके बाद लास्ट टॉपिक है नीड ऑफ एग्रीकल्चरल फिनेंस। एग्रीकल्चरल फिनेंस की क्या नीड है हमारी लाइफ में? फर्स्ट है अलोकेटिंग लार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड दे ओन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स फॉर सब्सिस्टेंस। नाउ सेकंड है मोर डिमांड ऑफ कंजप्शन क्रेडिट, क्योंकि आजकल लोन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है जिसे ख़रीदने के लिए हमें लोन लेना होता है, तो इसीलिए एग्रीकल्चरल फिनेंस की काफ़ी डिमांड है। नाउ थर्ड है मेंटेन रीजनल बैलेंस ऑफ फार्मर। सो ये हर रीजन के बैलेंस को मेंटेन करता है, मींस फार्मर्स की फिनेंशियली सपोर्ट करता है और उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराता है। फोर्थ पॉइंट है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो जैसा कि हम जानते हैं एग्रीकल्चरल फिनेंस सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, फार्मर्स के स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। और फिफ्थ पॉइंट है फॉर द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। सो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के यूटिलाइजेशन के लिए और न्यू टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चरल फिनेंस लोन प्रोवाइड करता है, सो ये भी इसकी एक नीड है। सो ये थे नीड ऑफ एग्रीकल्चरल फिनेंस। सो ये एग्रीकल्चरल फिनेंस का फर्स्ट लेक्चर है। इससे रिलेटेड थ्योरी एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि ये तो कंपलसरी क्वेश्चन होता है डिफाइन एग्रीकल्चरल फिनेंस।
इसके बाद इसके साथ सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, राइट द इम्पोर्टेंस नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एग्रीकल्चरल फाइनेंस। सो इस क्वेश्चन को हम इस लेक्चर से कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एग्रीकल्चरल फाइनेंस की डेफिनेशन लिखनी होगी, उसके बाद एग्रीकल्चरल फाइनेंस टू टाइप्स के होते हैं, मैक्रो फाइनेंस एंड माइक्रो फाइनेंस। उसके बाद हमें उसकी इम्पोर्टेंस लिखनी है और उसके नीड को एक्सप्लेन करना है। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ वीडियो देखने के बाद गो एग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद कमेंट में प्लीज़ बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और इसके बाद आप फोर्थ सेमेस्टर का कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर चाहते हैं। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।